देखिए, कल दिनांक 6/10/24 के रात्रि में वरीय पुलिस अधीक्षक पटना महोदय के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्वी के निगरानी में दुर्गा पूजा के अवसर पर सूचना संकलन और विधि व्यवस्था ड्यूटी के क्रम में SHO माल सलामी को एक सूचना मिलती है कि छोटी नगला पे कुछ अपराध कर्मी वहाँ पे जुटे हुए हैं और एक बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं। इसी क्रम में इस सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन करने के बाद पता चला कि दो अपराधकर्मी जो कि अभी 20 दिन पहले जेल से बाहर आए हैं, चंदन कुमार और कुंदन कुमार, अपने साथियों के साथ, जो मुन्ना कुमार भी वहाँ पे उनके साथ था, चंदन कुमार और कुंदन कुमार का एक बड़ा आपराधिक इतिहास है जिनके ऊपर हत्या का, डकैती का, विस्फोटक अधिनियम का, आर्म्स एक्ट का और लूट का, ये सारे धाराएं जो हैं इन दोनों अपराधी के ऊपर दर्ज है। वो अपने सहयोगियों के साथ एक बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे और पुलिस की तत्परता से SHO माल सलामी ने एक टीम का गठन किया और छोटी नगला में उन्होंने रेड का क्रम स्टार्ट किया। और इसी के रेड के क्रम में सबसे पहले मुन्ना कुमार को गिरफ्तार किया गया और मुन्ना कुमार के निशानदेही पर राजा को गिरफ्तार किया गया और राजा के पास से 2 देसी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अनिकेत कुमार की गिरफ्तारी की गई और एक विधि विरुद्ध बालक की को निरुद्ध किया गया और उनके पास से 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया और 2 एंड्रॉइड सेट, इस छापेमारी में 2 एंड्रॉइड सेट भी हमने जब्त किया है और उसका भी हम लोग जो है टेक्निकल जितना भी उसमें साक्ष्य है उसको संग्रह कर रहे हैं। और मुन्ना कुमार के स्वीकारोक्ति बयान में इन्होंने बताया कि ये लोग हथियार इकट्ठा कर रहे थे NH पे एक बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए। 2 जो अपराधी हैं, जो गैंग का लीडर है, वो सफल रहा वहाँ से भागने में और शीघ्र जो है हम लोग कुंदन कुमार और चंदन कुमार की गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कर लेंगे। इस टीम ने अपनी तत्परता से बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने बरामद, जैसे कि मैंने बताया, 3 देसी पिस्टल बरामदगी में, 12 जिंदा कारतूस जिसके पेंदी पर 7.65 KF लिखा हुआ है और 2 एंड्रॉइड फ़ोन जो है वो बरामदगी की है इस टीम ने। और इस टीम ने जो SHO माल सलामी इसको लीड कर रहे थे, इस टीम में और भी SI और सिपाही शामिल थे। उनकी विवरणी इस प्रकार है: सनी संजय कुमार, सनी अनिरुद्ध कुमार राय, परिश्वान पुअनी अमित कुमार, सिपाही मनोर कुमार, संतोष कुमार, संतोष कुमार यादव, संजीत कुमार और दीपक कुमार। तो ये सारी टीम जो है अपनी तत्परता से एक बड़े जो इन्होंने अपराध का योजना बना रहे थे और इससे पहले भी ये बहुत सारा कांड कर चुके थे, हमारी टीम ने इनको जो अपराध करने से पहले ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की और बरामदगी भी हमारी टीम ने सुनिश्चित की।